я не знаю, я просто задаю вопросы. Ну, это было его самостоятельное решение. Да. Он думал... अब तो सोच रहा हूँ एक आंगनबाड़ी खोल लूं, मिथिलेश आंगनबाड़ी। वैसे भी इस घर में क्या इज्जत रह गई है हमारी। अरे हमारे भरोसे पैदा किया है क्या इसको? इससे अच्छा तो आंगनबाड़ी में 8-10 बच्चों की गांड गुलामी करेंगे, रुपए पैसे कमाएंगे, रात को पौआ चढ़ा के सो जाएंगे। बहन चोर रात भर कहाँ था? घर में मन नहीं लगता है। ओए कहाँ गया था रात में? फिर इधर देखो, इधर रात में कहाँ गया था? अच्छा तो अब तू तहकीकात करेगा हमारी, कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। अमेरिका गया था ओबामा से हाथ मिलाने, क्या लंड कर लेगा तू। अभी किलविश का फोन आया था, कल फिर निकलना अंधेरा कायम करने। तो लौड़े अपने काम से काम रख, हमारी जानकारी उठाएगा तो बर्बाद हो जाएगा मादरचोद। हट बहनचोद, दोस्ती में दोगलापन। 50 बार समझा दिया कि ये सिगरेट गुटके के पीछे लड़ाई दंगे करना छोड़ दो, पहलवान नहीं बन जाओगे इससे। नया साल आने वाला, चुनौतियों से ज्यादा चूतियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर ऐसे लक्षण रहे ना तो कोई भी गंडजला गांड मार लेगा तुम्हारी। कौवे जैसे काले हो आप, मलाई जैसा गोरा करूंगा 60 सेकंड के अंदर। करना क्या है, एक कटोरी लेनी, आधा चम्मच कॉफी का डालना है, आधा चम्मच चीनी का डालना है, आधा नींबू। चला जा भेन के लोड़े यहाँ से, नहीं रेपट ऐसा चकभन्नाट पड़ेगा, कोका कोला मुतेगा 2 सेकंड के अंदर। करना क्या है, एक कटोरी लेनी है, एक चम्मच लेना है मिट्टी का तेल, एक चम्मच लेना है सरसों का तेल, एक चम्मच लेना है सांडे का तेल, मिला के चेहरे पे लगा लेना है, फिर लथेड़ के जो लपड़ पड़ेगा चड्डी में ही हक भरेगा। निपुण सकता के नुस्खे बता रहा है मादर चोत। डॉक्टर डीजे अग्रवाल ने तुमको मना किया है क्या? किससे? हंसने से। वैसे भी हंसना मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? वो झुमरी तलैया से निष्कासित किए हुए झिंगूर, तेरे से फटेगी मेरी बक्कल, वो सूतूंगा गांड पे कि ये उगली गुगली 555 वाले डायलॉग नहीं मारेगा। ऐसा लग रहा सनी देओल ने डीजल में डुबकी मार ली बहनचोद। तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी मम्मी के साथ एक रात सो सके। हाँ बिल्कुल सही बात करी है। अच्छा। ये रात इसके साथ रहे, इस रात मेरे साथ रहे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है और ना हमें उसको दिक्कत होने देनी चाहिए। देखिए मैडम, आज के जमाने में लड़के मिलना उतना ही मुश्किल है जितना चील के मुंह में च्यवनप्राश मिलना। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए उत्तम व्यवस्था हम करवा के देंगे। पैसे पूसे तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या बेतुकी बात हुई कि एक रात इसके साथ एक रात उसके साथ। शेयर बटन दबाते ही जिन 3-4 भूखे प्यासों का नाम आता है ना, ये 2 घोड़ी की सवारी एक साथ करते हैं। अच्छा। मैं तो चूतिया बैठा हूँ ना यहाँ पे, मेरी तो गांड फटती है भूत प्रेत की आवाज से। दरवाजा तो ऐसा बंद करके गई जैसे कि मैं अपना आपा खो बैठूंगा। अरे ऐसा ऊत भूत की माँ की चूत 3 बार। यही छोटी सी टिकिया टिका के आपकी गांड के छेद पे ऐसा प्लास्टर करेंगे कि आप तिलमिला उठोगे, और आपको आजीवन याद रहेगा कि बिल्ले से बकचोदी करना एक गांड लेवा बीमारी है।